back to Kataria's Indian Kitchen. So friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुल्फी पिस्ता फ्लेवर के टी टाइम केक की रेसिपी, और बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। साथ ही इसका हमने जो प्रीमिक्स बनाया है वो भी होममेड है, तो आप होममेड प्रीमिक्स के साथ भी इस केक को, टी टाइम केक्स को बना सकते हैं। साथ ही हमने इसे बिना ओवन के बनाया, कोई एग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इस केक को चाहें तो रेडीमेड प्रीमिक्स से भी बना सकते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट कुल्फी फ्लेवर का हम ये टी टाइम केक बनाते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर होममेड प्रीमिक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 1.5 कप प्रीमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स ले लिया है, ये मेरा होममेड प्रीमिक्स है। इसकी रेसिपी बेकिंग क्लास में ऑलरेडी शेयर की है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अब यहाँ पर हम डालेंगे मेल्ट किया हुआ बटर। तो 3 टेबल स्पून हम यहाँ पर ये मेल्ट किया हुआ बटर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाल दिया है। बटर को मैंने मेल्ट करके लिया था लेकिन वो गर्म नहीं था। और इसी के साथ यहाँ पर हम कुल्फी फ्लेवर केक बना रहे हैं, तो कुल्फी फ्लेवर का हम एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको कुल्फी फ्लेवर का एसेंस नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इलायची फ्लेवर का एसेंस यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल रही हूँ केसर फूड कलर की। तो ये बहुत ही इजीली आजकल अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपके पास ये फूड कलर नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केसर के जो धागे हैं उन्हें सोक करके रखें दूध में और वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। जस्ट मैंने फूड कलर इसमें थोड़ा सा केसर वाला इसलिए डाला है ताकि जो हमारा कुल्फी फ्लेवर का हम केक बना रहे हैं उसका कलर बिल्कुल बढ़िया कुल्फी जैसा आए। इसी के साथ यहाँ पे 3/4 यानी 3/4 कप मैंने दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसमें डालेंगे और अच्छे से बैटर बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पे यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुल्फी फ्लेवर का केक बना रहे हैं, काफी रिच होता है वो, तो मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। बैटर हमारा अच्छे से बन गया है, बिल्कुल लम्स फ्री हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो थोड़े से नट्स हम इस पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून पिस्ता और साथ ही थोड़े से बादाम को यहाँ पे चॉप करके ले लिया है। तो इस तरीके से ये थोड़े से मैंने डाल दिए हैं। नट्स की जो क्वांटिटी है आप चाहें तो थोड़ी कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा सा इस पे कलर है। अगर आप देखें तो बिल्कुल कुछ कुल्फी का कलर होता है वैसा कलर ये इसमें आ गया है। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच का एक केक टिन ले लिया है। मैंने यहाँ पे राउंड केक टिन का इस्तेमाल किया है, बटर पेपर लगा दिया है और साइड में थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है। और यहाँ पर ये केक टिन तैयार है, इसमें हम यहाँ ये सारा बैटर डाल देंगे। आप चाहें तो लोफ वाले केक टिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2-3 बार अच्छे से टैप कर लिया है इसे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे नट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। थोड़े से पिस्ता और चॉप किए हुए बादाम के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो चलिए, हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको इसे अवन या फिर ओटीजी में बेक करना है तो 160 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओटीजी या फिर अवन में आप इसे 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। लेकिन आज हम इसे यहाँ पे गैस पर बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में मैंने नॉर्मल खाने वाला नमक डाल दिया है, एक रिंग डाल दी है, आप चाहें तो कोई कटोरी वगैरह रख लें। अच्छे से हाई फ्लेम पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। प्री हीटेड की हुई कढ़ाई या फिर किसी भी बर्तन में आप केक टिन को रखें, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और लो फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है यहाँ पे 35 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद आप ज़रूर से एक बार केक को चेक कर लें। तो टोटल यहाँ पर 35 मिनट्स मुझे लगे हैं इस केक को बेक करने में। केक अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे से राइज हुआ है हमारा केक, और बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आया है। तो यहाँ पे टूथपिक को हम बिल्कुल सेंटर में डालकर चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब यही है हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ पर केक टिन को हम बाहर निकालेंगे और एक कपड़े से इसे कवर करके पूरी तरह से इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब भी केक को आप ठंडा होने के लिए रखें तो कपड़े से ज़रूर कवर कर लें ताकि इसका ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने इसे यहाँ पे इसे डीमोल्ड कर लिया है। सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा केक, अगर आप देखें तो काफ़ी मॉइस्ट बनता है इस तरीके से अगर आप इस केक को बनाते हैं। तो मैंने तो ये केक बनाया है होममेड प्रीमिक्स के साथ, साथ ही मैंने इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स भी शेयर किया है। आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं या फिर रेडीमेड प्रीमिक्स के साथ भी इस केक को आप बना सकते हैं। केक का अंदर का अगर आप टेक्स्चर देखें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जालीदार, एकदम मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है। इस टी टाइम केक को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये कुल्फी फ्लेवर का केक। जरूर से बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।